हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी का KSTV के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अभी शुरू ही हुआ है और काफ़ी सारे स्मार्टफोन कंपनीज अपने इन्वेंशन या फिर अपनी जो टेक्नोलॉजीज जिन पे काम कर रहे हैं उनका एग्जीबिशन कर रही है। और ऐसी एक कंपनी है शाओमी। शाओमी ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए हैं, मी 9 और मी 9 SE। इसी के साथ साथ जो मी मिक्स 3 का 5G वेरियंट है वो भी उन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मी मिक्स 3 का 5G वेरियंट है उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर क्या क्या अपग्रेड्स मी मिक्स 3 के 4G वेरियंट के मुकाबले देखने मिलते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसके प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मी मिक्स 3 का 5G वेरिएंट है इसके अंदर आपको दो मेजर अपग्रेड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला अपग्रेड है वो है इसका प्रोसेसर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है वो 5G को सपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ 4G तक ही सीमित है उसका सपोर्ट। तो इसीलिए इसके अंदर का प्रोसेसर चेंज किया है और इसके अंदर जो लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से आया है स्नैपड्रैगन 855 वो लगा हुआ है दोस्तों। तो ये हो गया पहला मेजर अपग्रेड। और जो दूसरा मेजर अपग्रेड है वो है इसका मॉडेम। इसके अंदर क्वालकॉम का X50 वाला मॉडेम लगा है जिसकी वजह से आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर। और ये जो मॉडेम है दोस्तों, इसकी वजह से आपको अप टू 2 GBPS का डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगा। तो काफ़ी फास्ट और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड के मामले में। तो दोस्तों, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है मी मिक्स 3 के वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसके अंदर आपको 6.39 इंच का एक फुल HD+ का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अंदर जो कैमराज है वो भी बिल्कुल भी सेम है। 12 MP का ड्यूअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर जो एक कैमरा है वो एक टेलीफोटो है और जो दूसरा कैमरा है वो एक स्टैंडर्ड 12 MP का कैमरा है। और जो 12 MP के कैमराज है मी मिक्स के, उनको DXO का 108 स्कोर मिला है जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। तो फोटो, पिक्चर और वीडियो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है मी मिक्स 3 के 5G वेरिएंट में। और दोस्तों, जो फ्रंट साइड है, फ्रंट कैमरा का सेटअप अगर कह ले तो वापस से सेम 24 MP और 2 MP का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो सेकेंडरी कैमरा वो 2 MP का वो डेप्थ सेंसिंग के अंदर काम आता है दोस्तों। तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी इसके फ्रंट कैमरा में। और दोस्तों, ये जो फ्रंट कैमरा का सेटअप है वो स्लाइडर के थ्रू ऊपर नीचे होता है मी मिक्स 3 के अंदर। तो इसकी वजह से जो फ्रंट पैनल है ना दोस्तों, उसका जो डिस्प्ले है वो पूरा एंड टू एंड ही है और 93.5 समथिंग बॉडी रेशियो, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो नॉचलेस बिल्कुल ही डिज़ाइन है इसके फ्रंट साइड का। तो देखने से तो इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी सुंदर दिखता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फ़ोन के पीछे दिया है जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन होता है नॉर्मल फोन्स के लिए। मी मिक्स 3 के 5G वेरिएंट में आपको कोई भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कोई हेडफोन जैक भी नहीं देखने मिलता है, तो आपको USB टाइप सी पोर्ट के कन्वर्टर से ही काम चलाना पड़ेगा। और जो इसके अंदर बैटरी है वो भी नॉर्मल 3200 mAh की बैटरी है। साथ में आपको 18 W का चार्जर भी मिलता है और आपको 10 W तक का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा मी मिक्स 3 के अंदर। और इसके अंदर आपको जो बेस वेरिएंट है वो 6 GB 64 GB वाला देखने को मिल रहा है और इसके अंदर आगे के जो वेरिएंट्स है वो 10 GB रैम तक के भी वेरिएंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है 599 यूरोस, तो करीब करीब 48 to 49,000 रुपीज़। तो अगर आपको 50,000 के अंडर कोई स्मार्टफोन खरीदना है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 या फिर 5G का सपोर्ट भी देखने को मिले, तो ज़रूर से मी मिक्स 3 का 5G वेरिएंट आपका चॉइस हो सकता है। लेकिन अभी इंडिया में 5G तो आया नहीं है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इंडिया में भी 5G का आरंभ हो जाए जिसके वजह से हम मी मिक्स जैसे अच्छे स्मार्टफोन खरीद पाए दोस्तों। तो ओवरऑल ये तो काफ़ी बढ़िया पैकेज है और प्राइसिंग तो शाओमी हमेशा अच्छे ही रखता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यही था मी मिक्स 3 का जो 5G वेरिएंट है उसका कंप्लीट पैकेज। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में। और ये दोस्तों, ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये जो मी मिक्स 3 का 5G वेरिएंट है इसके बारे में जानकारी मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से इसे लाइक कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए KSTV।